वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पर फॉन्फिज सो इन टूडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस एम सी क्यूज़ रिलेटेड टू क्लासिकल मकैनिक्स इस वीडियो को मैंने पार्ट टू इसलिए बोला है बिकॉज क्लासिकल मैकेनिक्स एम सी क्यूज़ पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है चैनल पर जिसमें जो है सारे बी एस सी लेवल एम सी क्यूज़ इंक्लूडेड हैं तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी और जो आज की वीडियो है इसमें हम एम एस सी लेवल के जो एम सी क्यूज़ हैं क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड उन सबको डिस्कस करेंगे सो so बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे दे विल बी फ्रॉम लेग्रेंजियन एंड हेमिल्टोनियन। एंड अपार्ट फ्रॉम जो लेक्चरर फिजिक्स के पेपर्स हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इंक्लूडेड हैं आज की वीडियो में सो वेन वी टॉक अबाउट लेगरेंजियन एंड हेमल्टोनियन बेस्ड प्रॉब्लम्स तो इनमें जो है क्वेश्चन थ्री टाइप्स के होते हैं फर्स्ट टाइप इज़ कि आपको जो है सिस्टम गिवन होगा और आपको लेगरेंजियन फाइंड आउट करना है सेकेंड टाइप में होगा कि आपको सिस्टम गिवन है और आपको हेमल्टोनियन फाइंड आउट करना है थर्ड टाइप में ऐसा होगा कि हेमल्टोनियन गिवन है एंड कॉरस्पॉन्डिंग लिगरजिन फाइंड आउट करना है या फिर लिगरेंजिन गिवन होगा कॉरस्पॉन्डिंग हेमल्टोनियन फाइंड आउट करना है सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है द हेमल्टोनियन कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेगरेंजिन एल इक्वल टू ए एक्स डॉट स्क्र प्लस बी वाई डॉट स्केयर माइनस के एक्स वाई इज तो यहाँ पर जो है आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए हेमल्टोनियन इज इक्वल टू समेशन ऑफ़ पी आई क्यू आई माइनस एल सो एल हमें क्वेश्चन में गिवन है पी आई क्यू आई जो है उसको हमने सॉल्व कर लेना so है समेशन ऑफ इट सो जो लेगरेंजन है दैट इज़ इक्वल टू ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर माइनस के एक्स वाई जब इसको एक्सपैंड करेंगे हम पी आई क्यू आई के समेशन को तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पी एक्स पी वाई एक्स डॉट एंड वाई डॉट ठीक है जो सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हेमिल्टोनियन विल बी कैलकुलेटेड। सो यहाँ पर जो है पी एक्स कैसे आएगा पी एक्स विल बी इक्वल टू कर्ल एल अपॉन कर्ल एक्स डॉट तो एल को जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट हमने डिफ्रेंशिएट कर देना है तो so, डिफरेंशिएट करते ही जो फर्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा टू ए एक्स डॉट उसके बाद जो है पी वाई के लिए हम क्या करेंगे कर्ल एल को विद रिस्पेक्ट टू जो है जो एल है उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डॉट डिफ्रेंश करना है तो यहाँ पर आ जाएगा टू बी वाई डॉट सो पी एक्स एंड पी वाई की वैल्यू से हमने एक्स डॉट एंड वाई डॉट की वैल्यू जो है उसको लिख लेना है सो एक्स डॉट विल बी इक्वल टू पी एक्स अपॉन टू ए वाई डॉट इज़ इक्वल टू पी वाई अपॉन टू ए सो एच का जो फार्मूला है वो क्या है एच इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई क्यू आई माइनस एल मतलब पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट माइनस एल अब सारी वैल्यूज हैं हमारे पास जस्ट इसमें सब्सिट्यूट कर देने हैं, और हेमल्टोनियन आ जाएगा तो फर्स्ट टर्म पुट करेंगे पी एक्स और डॉट की वैल्यू तो टर्म यहाँ पर बन जाएगी पी एक्स स्क्र अपॉन टू ए प्लस सेकेंड टर्म बन जाएगी पी स्क्यर वाई अपॉन टू बी फिर उसके बाद एल की वैल्यू जो है वहाँ पुट कर देंगे ए एक्स ट्रॉट की जगह पर जो है पी एक्स अपॉन टू ए पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस पी एक्स स्क्र बाई फोर ए सिमिलरली जो फोर्थ टर्म है वो बन जाएगी माइनस पी वाई स्क्यर अपॉन फोर बी और माइनस के एक्स वाई जो हो जाएगा प्लस के एक्स वाई अब जो टर्म कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दो सो दिस इज़ द फाइनल आंसर सब्ट्रैक्ट करने पर टर्म बन जाएगी पी एक्स क्योर अपॉन फोर ए प्लस पी वाई स्क्योर अपॉन फोर बी प्लस के एक्स वाई ठीक है थोड़े स्टेप्स इन्वॉल्व थे अदरवाइज जो है क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे इट इज़ सो तो ईजी जस्ट आपको रिलेशन पता होना चाहिए एच इज़ इक्वल टू सम्मेसन ऑफ पी आई क्यू आई माइनस एल एंड जो भी कॉर्डिनेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको आपको एक्सपेंड करना है समटाइम ये जो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं हेमल्टोनियन एंड लेगरेंजन तो इसी के बेसिस पर क्वेश्चन आ जाता है कि हेमल्टोनियन एंड लेगरेंजन के बीच में रिलेशन कौन सा है सो वंस यू नो दैट रिलेशन और देन सॉल्व करना बहुत आसान है क्वेश्चन इज हेमल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ कंजर्वेशन सिस्टम आर तो यहाँ पर जो है आपको करेक्ट हेमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना था कल कर ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था तो सब बच्चों ने जो है करेक्ट आंसर दिया है इसका पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ वन डी ऑप्शन ऑप्शन क्या है डी क्यू आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एच अपॉन कर्ल पी आई तो डी क्यू आई अपॉन डी टी का अनदर नेम क्या है क्यू डॉट तो यहाँ पर क्यू डॉट भी आप लिख सकते हो क्यू डॉट इज इक्वल टू कर्ल एच अपॉन कर्ल पी आई एंड जो माइनस डी पी आई अपॉन डी टी है दैन ऑल्सो बी टर्म दी आई डॉट राइट तो यहाँ पर ये जो है इक्वल टू कर्ल एच अपॉन कर्ल क्यू आई सो दिस इज हेमल्टोनियन कनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर इनको हेमल्टन इक्वेशंस भी कह देते हैं सो इक्वेशन देखिए ये भी क्लियर है कि जो हैमल्टोनियन इक्वेशनस हैं दे आर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस राइट तो समवेयर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो हेमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशंस हैं है, उनकी डिग्री क्या है सो so यहाँ पर क्या है फर्स्ट ऑर्डर डिग्री है बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियेशन इसमें इन्वॉल्व है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जर्नलाइज कोर्डिनेट्स क्यू के इज कॉल्ड साइक्लिक इफ सो कोई कॉर्डिनेट जो है वो साइक्लिक कब होता है फर्स्ट ऑप्शन इज क्यू के डॉट इक्वल टू ज़ीरो सेकेंड इज़ पी के इक्वल टू जीरो थर्ड इज कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के इक्वल टू जीरो सो जब कोई कॉर्डिनेट साइक्लिक होता है इट मीन्स जो लेग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम है दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर जर्नलाइज कॉर्डिनेट राइट तो विद रिस्पेक्ट टू जब आप जो है एल को दैट जर्नलाइज कॉर्डिनेट जो कि साइक्लिक है डिफ्रेंशिएट करोगे तो आंसर आएगा जीरो बिकॉज जो लेगरेंजियन है वो उस जर्नलाइज कॉर्डिनेट का फंक्शन नहीं है तो हेयर क्यूके उन्होंने बोला है कि जनरलाइज सॉरी साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो so, कोऑर्डिनेट होने का मतलब क्या है लेगर जो है इस साइक्लिक कोऑर्डिनेट का फंक्शन नहीं होगा सो कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के इज इक्वल टू ज़ीरो सो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि जब कोई कॉर्डिनेट साइक्लिक है देन जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटा होता है जनरलाइज मोमेंटम दैट इज़ कंजर्व या फिर कॉन्स्टेंट राइट right? जैसे अगर क्यू के जो है दैट इज़ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटा होगा पी के दैट विल बी इक्वल टू दैट विल बी कंजर्व और वी कैन से कांस्टेंट सो ये दो कंडीशन है साइक्लिक कोऑर्डिनेट की क्लियरली यहाँ पर क्वेश्चन जो है द जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के इज साइक्लिक इफ़ तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगी कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के इज इक्वल टू ज़ीरो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ क्यू के इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट देन क्यू के डॉट इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट ऑप्शन इज पी के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट थर्ड इज कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के डॉट इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी जनरलाइज मोमेंटम एसोसिएटेड विद द साइक्लिक कोऑर्डिनेट विल बी कॉन्सटेंट तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही होगी तो अभी तक हमने देखा कि जो है हमें लेग गिवन था कैसे हमने हमें फॉर्म किया उससे जो अब ये क्वेश्चन है इसमें हमने फाइंड आउट करना है लेगरेंजन ऑफ द सन अर्थ सिस्टम और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? तो ये इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से कैसे लेगरेंजन हम फॉर्म करते हैं सन अर्थ सिस्टम का सो so, लेगरेंजन को हम कैसे ऑप्टेन करते हैं लेगरेंजन इज इक्वल टू टी माइनस वी मतलब डिफरेंस ऑफ क्नाटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एज सच ये एक्सप्रेशन भी आप याद रखना बिकॉज एल इज़ इक्वल टू टी माइनस वी इसके बेसिस पर भी क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है तो so, यहाँ पर हमें बिकॉज सन अर्थ सिस्टम का लिगरेंजन फाइंड आउट करना है सो so ये दोनों एक्सप्रेशन में पता होने चाहिए कि कर्नाटक एनर्जी की वैल्यू क्या है एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है तो so, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ़ विल बी इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर स्केयर यहाँ पर कैपिटल एम एंड स्मॉल एम जो हैं दे आर इंडिकेटिंग मास ऑफ़ सन एंड मास ऑफ अर्थ आर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन दैम तो अब हमें फ़ोर्स के रिगार्डिंग पता है तो पोटेंशियल निकालना है सो इजी ईजी वी इज़ इक्वल टू नेगेटिव इंटेग्रल ऑफ फोर्स यहाँ पर माइनस इंटीग्रल एफ डी आर आ जाएगा एफ़ की वैल्यू है हमारे पास जी एम एम अपॉन आर स्क्र जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी एम एम अपॉन आर बिकॉज वन अपॉन आर स्क्र का इंटीग्रेशन यहाँ पर आर आ गया और माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप तो डन हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है अब नेक्स्ट स्टेप है फाइंड आउट करना कर्नाटक एनर्जी तो कर्नाटक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र विलासिटी का एक्सप्रेशन जो है इन प्लेन पोलर कॉर्डिनेट इज आर डॉट प्लस आर थीटा डॉट तो so, यहाँ पर कंप्लीट कर्नाटक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा टी इक्वल टू हाफ एम आर डॉट प्लस आर थीटा डॉट का होल स्क्र सो नेक्स्ट हमने टी एन वी की वैल्यू जो है फाइनल लेगरेंजिन के एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है एल इज इक्वल टू टी माइनस वी टी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हाफ एम आर डॉट स्केयर प्लस आर स्केयर थीरा डॉट स्केयर और जो पोटेंशियल है उसका एक्सप्रेशन था माइनस जी एम एम अपॉन आर तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा सो so देखा आपने कितना आसान है लेगरेंजन फाइंड आउट करना जस्ट आपको टी एंड वी कैलकुलेट करना है एंड जब हम उनको सब कर दोगे देन यू विल गेट द लिगरेंजियन ऑफ़ द सिस्टम क्वेश्चन नंबर सिक्स इज़ द लेगरेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन आर डैश ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑप्शन है वन सेकेंड इज़ टू थर्ड इज़ थ्री फोर्थ इज़ फोर्थ तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो लेगरेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन है उनका ऑर्डर क्या है सो लेगरेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन इज डी बाय डी टी कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के डॉट माइनस कर्ल एल अपॉन क्यू के इज़ इक्वल टू ज़ीरो सो यहाँ पर देखो आप क्यू के डॉट इज़ देयर एंड अगेन डी बाई डी टी इज़ देयर सो डबल डिफ्रेंसीेशन है यहाँ पे तो इट मीन्स जो लेग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है दे आर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है टू वो करेक्ट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज़ द लेग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिस्टम इज इक्वल इन टू सो जो लेग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन के इक्वलेंट है फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन्स सेकेंड इज लैपलेस थर्ड इज़ पॉइजन फोर्थ इज़ मैक्सुअल्स इक्वेशन ऑफ मोशन सो so, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगी वह वो है ए जो लेगरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है दे आर इक्वलिंग टू न्यूटन न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्थ इज इफ़ द लेगरेंजन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली सो अगर जो लेगरेंजन है वो टाइम पर नहीं डिपेंड करता है इन दैट केस वट विल हैपन फर्स्ट ऑप्शन इज हेमल्टोनियन इज अ कॉन्सटेंट ऑफ मोशन सो हेमल्टोनियन जो है वो कॉन्सटेंट ऑफ मोशन होगा सेकेंड इज हेमल्टोनियन कैन नॉट बी अ कॉन्सटेंट थर्ड इज कैनाटिक एनर्जी इज़ कॉन्स्टेंट फोर्थ इज़ पोटेंशियल एनर्जी इज़ कॉन्स्टेंट तो यहाँ पर जो है ई ऑप्शन करेक्ट होगी अगर लिगर इंजन जो है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम एक्सप्रिसिटली सो इन दैट केस क्या होता है एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ कॉन्जर्व सो एनर्जी एफ दिसटम जो है दैट स्टैंड फॉर हेमल्टोनियन राइट सम ऑफ कर्नाटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सो इन दिस केस हेमल्टोनियन इज़ अ कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज जर्नरलाइज कोआर्डिनेट्स आर सो जर्नलाइज कॉर्डिनेट्स कौन से होते हैं फर्स्ट इज़ दे डिपेंड्स ऑन ईच अदर सेकेंड इज़ दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर थर्ड इज़ नेसेसरली स्फेरिकल कॉर्डिनेट्स थर्ड इज़ मे बी फोर्थ इज मे बी कार्टीजन कोआनेट सो यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जो जर्नलाइज कोर्डिनेट हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं सेकेंड है कि वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते थर्ड है कि वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं फोर्थ है कि शायद वो कार्टिजन कोऑर्डिनेट होते हैं फिर ये ऑप्शन इज करेक्ट जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं दे डिपेंड्स ऑन ईच अदर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ टू इंटेग्रल्स ऑफ मोशन तो पॉइजन ब्रैकेट का टॉपिक जो है मैंने थ्योरी उसकी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है एंड अलॉन्ग विद दैट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉइजन ब्रैकेट में से आए वो सारे सॉल्व करवाए उस वीडियो में तो एक बार आप वो वीडियो भी देख लेना सो so दैट आपकी थ्योरी और स्ट्रॉग हो जाए एंड पॉइज एंड ब्रैकेट के बेसिस पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ज़रूर आंसर कर पाओ राइट right? तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगी उसको चेक कर लेना सो क्वेश्चन देखो क्या है द पॉइज ब्रैकेट ऑफ टू इंटेग्रल्स ऑफ मोशन इज़ सो अगर कोई टू इंटेग्रल ऑफ मोशन है इंटेग्रल ऑफ मोशन मतलब कांस्टेंट ऑफ मोशन जो है जिनका हेमल्टोनियन के साथ जो पॉइज ब्रैकेट है वो वैनिश हो जाता है ऐसे टू इंटेग्रल ऑफ मोशन को जब आप उनकी पॉइजन ब्रैकेट लोगे तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट इज़ ज़ीरो सेकेंड इज़ यूनिटी थर्ड इज़ इंफेनाइट फोर्थ इज़ इंटेग्रल ऑफ मोशन सो द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ टू इंटीग्रल ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो एन इंटेग्रल ऑफ मोशन राइट तो जो अगर हम टू कांस्टेंट्स ऑफ मोशन लेते हैं अगर उनके पॉइजन ब्रैकेट फाइंड आउट करते हैं तो जो आंसर आएगा दैट इज़ ऑल्सो इंटेग्रल ऑफ मोशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द हैमिल्टोनियन इज डिफाइंड एज तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वहीं पर एक्सप्रेशन आया था राइट right? तो so, इनमें जो है एक्सप्रेशन के बेसिस पर भी क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं सो so, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है बी एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ के पी के क्यू के डॉट माइनस एल सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन हेमल्टोनियन एंड लेगरेंजन और ये रिलेशन हम कब यूज़ करते हैं जब क्वेश्चन में हमें जो है हैमिल्टोनियन गिवन है लेगरेंजन फाइंड आउट करना हो या फिर लैगरेंजन गिवन है एंड हैमिल्टोनियन फाइन आउट करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कैनोनिकल। सो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है फर्स्ट ऑप्शन इज पी इज़ इक्ल टू नेक्स्ट इज P इज इक्ल ऑफ P. थर्ड इज़ Q इज़ इक्वल टू फोर्थ इज Q इज़ इक्वल माइनस क्यू हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज क्यू इज इक्वल टू पी पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कनोनिकल नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिगरेंजन ऑफ अ फ्री पार्टिकल इन फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय एल इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्योर प्लस आर थीटा डॉट स्क्योर प्लस आर स्क्यर थीटा डॉट फाइव डॉट स्क्योअर साइंस्योर थीटा द क्वानिटी दैट कंजर्व दिस सो यहाँ पर उन्होंने मैं लिगरेंजन दिया हुआ है और हमें ये पता करना है कि इसमें कौन सी क्वांटिटी जो है वो कंजर्व है तो यहाँ पर जो है हमें लेगरेंजन में क्लियरली देखना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट जो है वो साइक्लिक है बिकॉज जो कोऑर्डिनेट साइक्लिक होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है दैट विल बी कंजर्व जब ने पढ़ा ना दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक कॉर्डिनेट तो यहाँ पर हमें देखना है कि लेगरेंजन कौन से कॉर्डिनेट पर नहीं डिपेंड करता है सो एल इज इक्वल टू एम आर भी है यहाँ पर देखो सेकेंड में थीटा है साइंस थीटा की फॉर्म में लेकिन यहाँ पर फाई नहीं है डायरेक्टली यहाँ पर फाई डॉट है तो इट मीन्स जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है यहाँ पर दैट इज फाई सो यहाँ पर आप सीधे सीधे चूज कर सकते हो कि जो सी ऑप्शन है कर्ल एल अपॉन कर्ल फाई डॉट जो कि है पी फाई राइट सो दैट इज कॉन्स्टेंट क्वेश्चन इज इफ क्यू पी आर सेट ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स एंड डेल्टा आई के डेल्टा जे के इज़ क्रोनेकर डेल्टा देन इन टर्म्स ऑफ पॉइजन ब्रैकेट्स राइट तो यहाँ पर उन्होंने क्यू पी जो है कोऑर्डिनेट्स जो वेरिएबल्स हैं वो हमें गिवन है और पूछा है कि जो क्रोनेकर डेल्टा है उसको हम पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है क्यू पी अगर वेरिएबल्स हैं तो उनकी पॉइजन ब्रैकेट जो होगी दैट विल भी इक्वल टू दिस क्रोनेट क्रोनेकर डेल्टा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जर्नलाइज कॉर्डिनेट ईच ऑफ दैम एग्जीक्यूटिंग ऑसोलेशन ऑफ वन सिंगल फ्रिक्वेंसी आर कॉल्ड सो जब जो जर्नलाइज कॉर्डिनेट्स हैं अगर ठीक है दे आर एग्जीक्यूटिंग विद वन सिंगल फ्रिक्वेंसी तो उन कॉर्डिनेट को हम क्या कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन है अब नॉर्मल कॉर्डिनेट सेकेंड इज जर्नरल कॉर्डिनेट थर्ड इज स्टेशनरी कॉर्डिनेट फोर्थ इज नॉर्मल कॉर्डिनेट्स ठीक है तो जब फ्रिक्वेंसी की बात आती है राइट एंड वेन दे आर हैविंग कॉमन फ्रीकुंसी जैसे कर, जब प्रीवियस वीडियोज़ की ऑसोलेशन एंड वेव्स की वहाँ पर भी हमने जो है नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स की बात की थी जहाँ पर जो है दे ऑसोलेट विद द सेम कॉमन फ्रिक्वेंसी राइट तो वही जो है उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहते हैं उन्हीं जनरलाइज कोऑर्डिनेट का नेम है नॉर्मल कोऑर्डिनेट व्हेन दे आर ऑसोलेटिंग विद वन सिंगल फ्रिक्वेंसी तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर इज सो मोमेंट ऑफ एनर्शिया एक टेंसर क्वान्टिटी है बिकॉज समटाइम इसको हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं विच इज नाइदर वेक्टर नॉर अ स्केलर सो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ एनर्शिया टेंसर है उसका रैंक क्या है ये पूछा गया है फोर्थ थर्ड नाइन्थ या फिर सेकेंड सो so, जो मोमेंट ऑफ एनर्शिया टेंसर होता है दैट इज अ सेकेंड रैंक टेंसर क्वेश्चन इज द वेरिएशनल प्रिंसिपल गिव्स द नेसेसरी कंडीशंस अबाउट द क्वांटिटी अपेयरिंग एज एन इंटीग्रल हैज़ फर्स्ट ऑप्शन है स्टेशनरी वैल्यू सेकेंड इज़ स्क्वायर ऑफ इट्स वैल्यू थर्ड इज़ क्यूब ऑफ इट्स वैल्यू फोर्थ इज एक्सपोनेंट ऑफ इट्स वैल्यू सो यहाँ पर जो वेरिएशनल प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा यहाँ पर वेरिएशनल सिंबल है विच इज़ इक्वल टू डेल्टा इंटीग्रेशन ऑफ लिगरेंजन विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो सो क्लियर क्लियरली यहाँ पर बताया गया है कि जो वेरिएशन इन लेग्रेंजियन है दैट इज इक्वल टू जीरो मींस लेग्रेंजियन इज़ हैविंग अ स्टेशनरी वैल्यू मीन्स जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या होती है स्टेशनरी होती है राइट तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है उसकी जगह लेग्रेंजियन भी लिख सकते हैं कि लेग्रेंजियन अपीयरिंग एज एन इंटीग्रल हैज़ अ स्टेशनरी वैल्यू सो फॉर दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन स्टेशनरी वैल्यू इज़ करेक्ट सो आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वीडियो ऑफ़ द वेल प्रिंसिपल थ्योरी और इसमें जो है इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज भी इंक्लूडेड हैं आप उस वीडियो को भी जरूर चेक कर लेना यू विल गेट अ बटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल एंड अलॉन्ग विद डेट आपके और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमल्टोनियन फॉर अ कंजरवेटिव सिस्टम वे अर कॉर्डिनेट ट्रांसफॉमेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रिप्रजेंट्स सो यहाँ पर जो है जब हेमल्टोनियन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम मीन्स इट इज़ रिप्रजेंटिंग कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन सो इन दैट केस वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन है सम ऑफ कॉनाटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड इज कॉनाटिक अनर्जी थर्ड इज़ डिफरेंस ऑफ कॉनाटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी फोर्थ इज़ पोटेंशियल अनर्जी तो अभी इसी वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है वेन लेगरेंजियन डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम देन हेमिल्टोनियन इज़ अ कॉन्सटेंट ऑफ मोशन अब जो हेमिल्टोनियन है दैट इज़ रिप्रजेंटिंग टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी इज़ अ सम ऑफ कनाटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पर क्या आंसर होगा जब हेमल्टोनियन फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम जहाँ पर इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम देन इट इज़ रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ कैनाटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ कॉर्डिनेट इज साइक्लिक देन तो जब कॉर्डिनेट साइक्लिक होता है तब क्या कंडीशन आती है फर्स्ट ऑप्शन है जर्नलाइज मोमेंटम कंजुगेट टू द साइक्लिक कॉर्डिनेट इज कंजर्व्ड सेकेंड इट इज एबसेंट इन लेगरेंजिन थर्ड इट इज प्रेजेंट इन हेमिल्टोनियन फोर्थ इज कॉरस्पोंडिंग एंग्लोर मोमेंटम इज कंजर्व तो यहाँ पर सी एंड डी ऑप्शन तो कंप्लीटली रॉन्ग हो गई थर्ड ऑप्शन कैसे गलत हुई बिकॉज हमें पता है कि अगर कोई कॉर्डिनेट जो है लेगरेंजन में साइक्लिक है देन इट विल ऑल्सो भी साइक्लिक इन हैमिल्टोनियन तो यहाँ पर वो हैमिल्टोनियन में नहीं प्रेजेंट होगा सी ऑप्शन गलत हो गई डी ऑप्शन से इज़ कॉरस्पॉन्डिंग एंग्लो मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड लेकिन मैं पता है कॉरस्पोंडिंग कॉरस्पोंडिंग मोमेंटम इज कंजर्वड इट्स नॉट एंग्लो मोमेंटम इज़ कंजर्वड बी ऑप्शन सेज़ इट इज़ नॉट एबसेंट इन लेगरेंजन और वो मुझे पता है जब कॉर्डिनेट को साइक्लिक है इट मीन्स वो लेगरेंजन में एबसेंट होगा सो बी ऑप्शन भी गलत हो गई सो so, क्लियरली यहाँ पर ए ऑप्शन सही है इफ़ अ कॉर्डिनेट इज़ साइक्लिक देन जर्नलाइज मोमेंटम कॉन्जोगेट टू द साइक्लिक कॉर्डिनेट इज कंजर्वड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस लेगरेंजिन डज नॉट कंटेन टाइम एक्सप्लिसिटली देन सो जब लेगरेंजन जो है दैट डज नॉट कंटेन टाइम एक्सप्लिसिटली ये क्वेश्चन कितनी बारी आया है बट एवरी टाइम यू विल सी जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो चेंज हो गई है फर्स्ट ऑप्शन क्या है रेशियो ऑफ कनाडिक टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कन्जर्वेटिव सिस्टम इज कंजर्व्ड सेकेंड इज जेकोबी इंटेग्रल बिकेम इन वेरियंट थर्ड इज डिफरेंस ऑफ कनाडिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंजर्वेटिव सिस्टम इज़ कंजर्वड थर्ड इज फोर्थ इज टोटल अनर्जी ऑफ द कंजर्वेटिव सिस्टम इज़ कंजर्वड तो अब यहाँ पर हमें क्या आंसर होगा जब लिवरेंजिन जो है दैट डज नॉट कंटेन टाइम एक्सप्लिसिटली इन दैट केस जो हिमिल टूनियन है इट बिकम्स कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन राइट सो so, हेमिल्टोनियन जो है इट रिप्रजेंट्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम सो जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है दैट विल बी कंजर्वड और कॉन्स्टेंट आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बिकॉज अभी अभी देखो इसमें इसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर तीन क्वेश्चन बने हैं एक बार ही उन्होंने लेगरेंजियन डज नॉट कंटेन टाइम एक्सप्लिसिटली के बेसिस पर करेक्ट ऑप्शन वो थी जिसमें था हेमिल्टोनियन इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला टोटल एनर्जी ऑफ द कॉन्जर्वेट सिस्टम इज कंजर्वड और जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें उन्होंने बोला था कि जो टोटल यहाँ पर जो कंजर्वड होगा वो क्या होगा